गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चालू कैसे सब लोगों को? आज मैं जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बच्चों वो लेके आ रहा हूँ, जो HSC फेब मार्च 2020 इस साल 2020 खेलना है आपको, पता है ना, एग्जाम के साथ। तो बच्चों ये जो है EMI जो चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 4 मार्क विद ऑप्शन 6 मार्क। बच्चों यहाँ पे P1 में 3 चैप्टर इंपॉर्टेंस है, P2 में सॉरी, एक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, EMI, एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर, ये तीनों चैप्टर विद ऑप्शन के साथ 6-6 मार्क के लिए है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तीनों चैप्टर को है बच्चों, एक है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर। P1 में 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर थे बच्चों, ऑक्सीलेशन एंड स्टेशनरी वेव्स। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, दोनों चैप्टर अच्छी तरह से करो, ऑक्सीलेशन एंड दूसरा स्टेशनरी वेव्स। इसमें P2 में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर एंड EMI। बच्चे इसमें सबसे पहले यहां पे स्टेट द फैराडेज और लीन्स लॉ करना है। फैराडे लॉ ये है d5/dt और लीन्स लॉ माइनस साइन देना है बस। और क्वेश्चन इसके ऊपर थ्योरेटिकली प्रूफ भी आता है, e = -d5/dt। बात समझ में आ रही बच्चों? कुछ नहीं, सवाल वही है, थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि फैराडेज लॉ और लीन्स लॉ क्या है, और थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, ये भी थ्योरेटिकली प्रूफ बोल के क्वेश्चन आता है। उसके बाद में इडीकरण किसको होता है, ये तो बहुत इजी चीज है बच्चों, जो गोल गोल घूमने वाला है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप सेल्फ इंडक्टेंस के लिए EMF देखो, यही है -L(di/dt)। बात समझ में आ रही बच्चों? ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, म्यूचुअल के लिए e = -M(di/dt। क्या फर्क है बच्चों, समझ में आ रहा है? यहां पे L है, यहां पे M है, क्योंकि बच्चों यहां पे phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर सेल्फ में हो तो LI लिखते हैं, म्यूचुअल में है तो MI लिखते हैं, बस यहां पे phi की वैल्यू पुट कर दो। बात को समझो बच्चों, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से नहीं होती कोई चीज, मैं बोल रहा हूं फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, थोड़ा माइंड सेटअप रखो, कौन से क्वेश्चन में क्या करना है ये समझ लो, बस इसका डेरिवेटिव ये फार्मूला याद है तो बस, L कांस्टेंट है आई के साथ क्योंकि करंट चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे M कांस्टेंट है, देखो ये बन रहा फार्मूला, मतलब कुछ नहीं बच्चों। देखो उसके बाद में ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग डायग्राम इंपॉर्टेंस है। एक बात ध्यान में रखो बच्चों, प्रूफ करना है ES/EP तो NS/NP। बात समझ में आ रही बच्चों? नंबर ऑफ टर्न बढ़ा हुआ सेकेंड रन के, तो MA बढ़ता है सेकेंडरी का, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल के चेंज हुए तो यहां पे बढ़ा दिए तो EMF बढ़ता, और करंट उल्टा है बच्चों, करंट उल्टा है दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, देखो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट कम घटेगा मतलब, ठीक है। कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें बच्चों आपको EMF फाइंड करना है, E = E0 sin ωt। इस कॉइल रोटेटिंग जो कॉइल है बच्चों, इस कॉइल रोटेटिंग करने से इसका यह फार्मूला मिलता है लास्ट में, E = E0 sin ωt। ओके, उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट निकालना है, वही फार्मूला लग रहा है कि नहीं? देखो E के जगह पे I रखा है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सोचो यार, समझो, समझने से हर चीज जमती है। उसके बाद में रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, रिएक्टेंस प्योर इंडक्टर का सिंबल L है तो XL, क्योंकि रिएक्टेंस इंडक्टर का L, कैपेसिटर का XC बच्चों, इसी से हम लोग XL = ωL या XL = 2 φ FL कर सकते हैं, इसका XC = 1/ωc मिलता है बच्चों, तो XC = 1/2 φ FC। बात समझ में आ रही है? इससे ग्राफ भी निकाल सकते हैं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली जैसे, समझ में आ रहे हैं बच्चों, कोई ट्विस्ट नहीं है ज्यादा। LC ऑक्सीलेटर, इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक कैसे होती दिखाना है, और रेजोनेंट सर्किट कैसे होता है बताना है, और पावर इन AC, उसका पावर का फार्मूला है, पावर एवरेज निकाल, ERMS IRMS cos φ, इसी थ्रू आप लोगों को क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हल करने की कोशिश करना बच्चों, सॉल्व करना है। ये चैप्टर अच्छा करो, अच्छे अप्रोच दे रहा हूं बच्चों मैं हर क्वेश्चंस की आपको कैसे, और बात बताओ बच्चों इसी फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल होता है यार, बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं सर न्यूमेरिकल बताओ, टेंशन बहुत लेते, नहीं कुछ नहीं, बस इसकी वैल्यू डालना है करंट की, इसकी वैल्यू देंगे बस, यही फार्मूले होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ फार्मूले क्यों देना चालू कर रहा हूं, इसका मीनिंग ही वही है बच्चों। तो बच्चों पढ़ाई करते रहे, बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो।